हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सी में, दैट इज़ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। देखिए, वैसे तो स्ट्रक्चर अगर हम ना भी अगर बनाएं तो भी हमारा काम चल सकता है प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, लेकिन हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाते क्यों हैं? जब हमें लॉजिकल सेट ऑफ आइटम्स को एक जगह क्लब करना होता है, एक जगह कंबाइन करना होता है। मींस लॉजिकल मैं किसको कह रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन हमको रखनी है, सो एक पर्सन की अगर हम कहीं इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो पर्सन के बारे में उसका नाम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी सैलरी स्टोर कर सकते हैं, उसके फादर्स का नाम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। सो दीज कुड बी द पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो हम किसी भी पर्सन के करिस्पॉन्डिंग स्टोर करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या बोलेंगे हम इसको, ये लॉजिकली रिलेटेड है क्योंकि एक ही पर्सन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन है, एक ही पर्सन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। और देखिए खास बात क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं कहूँ पर्सन का नाम, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी जिसको हम कैरेक्टर एरे, आप पढ़ चुके हैं कैरेक्टर एरे के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी में। उसी तरह फादर्स का नाम क्या होगा, वो भी कैरेक्टर एरे होगा। ठीक है, सैलरी लेकिन क्या होगी, वो डेसिमल में कोई वैल्यू होगी जो फ्लोटिंग टाइप की होगी, डेटा टाइप चेंज हो गया। ठीक है, फ़ोन नंबर क्या होगा, इट कुड बी एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर मैं किसी पर्सन के करिस्पॉन्डिंग स्टोर करना चाहूँ तो या तो मैं अलग अलग वेरिएबल ले लूँ, नाम के लिए अलग ले लूँ और क्या कहते हैं फादर्स नेम के लिए अलग ले लूँ, इस तरीके से भी काम हो जाएगा। जितने हमको इन्फॉर्मेशन रखनी है सबके लिए अलग अलग वेरिएबल ले लूँ, लेकिन चूंकि वो एक ही व्यक्ति से संबंधित है तो हम उसको स्ट्रक्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे जब इससे रिलेटेड प्रोग्राम है, स्पेशली स्ट्रक्चर विद एन एरे, तो आप देखेंगे कि इसका यूज़ कितना अच्छा होता है प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, और कितने बढ़िया तरीके से, कितने लॉजिकल वे में हम प्रोग्रामिंग लिख पाते हैं अगर हमको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल लोगों की इन्फॉर्मेशन रखनी हो, एक से ज़्यादा पर्सन हो और उनके करिस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन रखनी हो, तो हमको इतने सारे वेरिएबल्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम स्ट्रक्चर का सीधा एरे क्रिएट कर सकते हैं। खैर, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए लेट अस डिफाइन द स्ट्रक्चर। सो हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर्स इन सी, तो इन सी हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर इज अ पहला पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, प्री इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, इसको यूज़र डिफाइन करता है। मतलब हम यूज़र मीन्स प्रोग्रामर, जितने चाहे उतने स्ट्रक्चर और जितने तरीके की इन्फॉर्मेशन उस स्ट्रक्चर में रखना चाहे रख सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स दैट मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स दैट मे बी ऑफ डिफरेंट, अलग अलग टाइप की, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, सैलरी जो है फ्लोटिंग है, नाम जो है वो कैरेक्टर आ रहे हैं, उसी तरह अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो डेटा आइटम्स जिनको हम कलेक्शन बनाना चाहते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। And it is a collection of data items that may be of different type into a single name. तो collection जो हम बनाते हैं उसके लिए हम एक common नाम बना देते हैं, जैसे हमने person बना दिया और person के अंदर उसके नाम, salary और सबकी information, तो common name क्या हुआ, person। ठीक है, तो बिल्कुल हम उसी बात को, तो under a single name, okay, under a single name। Now, third thing which is important अबाउट द स्ट्रक्चर, कि ये जो डेटा आइटम्स हैं, दीज आर बेसिकली लॉजिकली रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया, दीज डेटा आइटम्स ऑफ द स्ट्रक्चर
आर यूजुअली लॉजिकली रिलेटेड। ये कोई मस्ट इन कंडीशन नहीं है, आप चाहें तो हैफजर्ड वे में भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं लगेगा लॉजिकली, वो आपको बहुत वैलिड नहीं लगेगा, ठीक है। सो अमूमन जो होता है वो यूजुअली लॉजिकली रिलेटेड डेटा को हम एक स्ट्रक्चर में क्लब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीधा हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल से, जैसे कि मान लीजिए हमें एक पर्सन की, हमें एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, चलिए हम एम्प्लॉय का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन। तो अगर हमें एक एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय है कोई, ठीक है, सपोज़ उसका मैंने दे दिया वन, पहला एम्प्लॉई है। तो अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहूँ तो तीन तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। मान लीजिए एम्प्लॉई की आईडी, आपको मालूम है हर एम्प्लॉई की कोई ना कोई आईडी होती है जब कंपनी में काम करता है, तो सो एम्प्लॉई की एक आईडी हो गई, उसका नाम हो गया, ठीक है, और मान के चलिए सैलरी होने को, तो और भी इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टोर यू कैन स्टोर। तो ये कोई एम्प्लॉई है, उसकी आईडी हो गई, नेम हो गया। तो अगर मैं कहूँ ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके की है, नॉर्मली आईडी जो होती है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, नेम है वो स्ट्रिंग होगा, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर क्या लेंगे, कैरेक्टर एरे, ठीक है, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, नेम जो होगा कोई स्ट्रिंग होगा। सैलरी क्या होगा, इसका डेटा टाइप फ्लोटिंग, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, हो सकता है डेसिमल में वैल्यूज़ हों सैलरी में, सपोज 10,500 हो सैलरी, ठीक है, 0.36 इस तरीके की सैलरी हो सकती है। तो आईडी है, नेम है, सैलरी है, तीनों का टाइप अलग है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है। देन वी कैन सिंपली राइट अ स्ट्रक्चर, डिफाइन अ स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, इन तीन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ सिंटैक्स कैसे होगा, सिंटैक्स टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, तो किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, दिस इज स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम, ओके, एंड ओपनिंग ब्रैकेट, इसके अंदर डेटा टाइप वन, ठीक है, और डेटा टाइप वन यानी पहले आईडी के लिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया आईडी, ठीक है, यानी इसको जनरलाइज वे में मैं अगर लिखना चाहूँ, डेटा मेंबर वन, ओके, सिमिलरली डेटा टाइप टू, दूसरा मेंबर की बात कर रहे हैं, और मैं लिख सकता हूँ डेटा मेंबर टू, एंड सो ऑन, इसी तरीके से मैं एनी नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, एन लिख लिया मैंने, डेटा टाइप एन एंड डेटा मेंबर एन, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने का सिंटैक्स है, यानी ये जो है इसके अंदर आपका क्या है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड मींस पहले से प्री डिफाइंड है, जैसा कि आप जानते हैं कीवर्ड क्या होते हैं, तो स्ट्रक्ट, कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है हमें स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, और ये क्या है, ये है आपका यूज़र डिफाइंड नेम, कोई भी आप नेम यूज़र अपने मनपसंद का ले सकता है, यूज़र डिफाइंड नेम गिवेन टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को जो भी यूज़र नाम देना चाहता है वो यहाँ दे सकता है, ठीक है, अपने मनपसंद। डेटा टाइप्स जो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं ये सारे, ये सब क्या है, ये वही इंटीजर, फ्लोट, कैर, ये सारी वैल्यूज़ डेटा टाइप हो सकती हैं और डिफरेंट हो सकती हैं, और ये सब क्या है, डेटा मेंबर्स, ये आइटम्स हैं जिनको हमें, डेटा आइटम्स जिनको हमें स्टोर करना है, आईडी, नेम, सैलरी, ये सब डेटा मेंबर्स कहलाते हैं स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर के मेंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसी तर्ज पर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बात करूं, तो हमारा स्ट्रक्चर मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करूंगा, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम माने दीजिए मैंने एम्प्लॉई, तो ईएमपी दे दिया, ठीक है, ईएमपी फॉर एम्प्लॉई, ठीक है, एंड आईडी, नेम एंड सैलरी, तीन इन्फॉर्मेशन रखनी, आईडी किस टाइप की, इंटीजर, सो आईएनटी, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिक्लेयर होंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होगी, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल। दूसरा है नाम, तो ये क्या होगा, एक कैरेक्टर एरे, मान के चलिए मैंने दे दिया नेम, नाम का एरे दे दिया, वैसे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं एरे का, ए बी सी डी, लेकिन हम नेम दे रहे हैं क्योंकि देखने से, ताकि समझ में आए कि ये नेम, मान लीजिए 15 साइज़ का, और याद करिए 15 साइज़ का है तो आप इसमें कितना बड़ा नेम आप स्टोर कर सकते हैं, लेंथ 14 का,
ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की जो भी साइज़ होती है उससे हमको एक ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि हमको नल कैरेक्टर भी स्टोर करना है एंड में। तो 14 साइज़ का हम नेम दे सकते हैं, बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं इसकी डायमेंशन जितना बढ़ाना चाहें। और तीसरा है फ्लोट, फ्लोट में मैंने दे दिया सेल, सेल फॉर सैलरी। तो तीन इन्फॉर्मेशन, आईडी, नेम एंड सैलरी। आईडी जो है इंटीजर है, नेम जो है कैरेक्टर आ रहे हैं, एंड सैलरी जो है वो फ्लोटिंग टाइप की है, एंड सेमी कॉलन। तो ये आपका स्ट्रक्चर डेफिनेशन हो गई। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन, अगर हमको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और स्टोर करने वाली फादर्स नेम, तो मैं एक कैर एरे और बढ़ा दूंगा फादर्स नेम के करस्पॉन्डिंग। सो आप जितने मेंबर्स चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो ये तरीका, ये हमने देखा कि स्ट्रक्चर होते क्या हैं, क्यों इनकी आवश्यकता है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्यों है, क्या है, कैसे उसका सिंटैक्स है डिफाइन करने का स्ट्रक्चर, और ये उसका एग्जांपल है कि कैसे हमने डिफाइन किया अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम एरे के बारे में और कैसे इसके एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं, कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे मेमोरी क्रिएट होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।